आज हम बनाएंगे सेवई की बर्फी। बहुत ही इजी और सिंपल है इसे बनाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है सेवई, भुना हुआ सेवई आपको लेना है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसे हाथों से अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। और अब आपको लेना है कढ़ाई में घी 2 से 3 चम्मच, और अब इसमें डाल देना है सेवई। सेवई पहले से ही भुना हुआ है इसलिए इसे ज़्यादा नहीं भुनना है, बस 2 से 3 हैंड इसे चला लेना है। और अब इसमें ऐड कर दें 2 से 3 चम्मच चीनी, और इसे थोड़ा मेल्ट होने तक चीनी को पका लेना है। और मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है ताकि सेवई भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, और इसे चलाते हुए पका लेना। तो आप देख सकते हैं सेवई सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे रख देते हैं साइड। और मैं ली हूँ 1 लीटर फुल फैट मिल्क। मैंने इसे गैस पर रखा है गर्म होने के लिए। और अब हम लेंगे 1 कटोरी में 2 से 3 चम्मच मिल्क, गुनगुना मिल्क लेना है। और इसमें चावल का आटा ऐड कर देना है और इसे अच्छे से घोल लेना है। फिर इसे भी मिल्क में ऐड कर दें और इसे चलाते रहें जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। और इसमें ऐड करें ड्राई फ्रूट्स, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वो ऐड कर लें, और इसे कुछ देर और पका लेना है। तो चलिए बिना मिल्क पाउडर और बिना कंडेंस मिल्क का ये बहुत ही बढ़िया सा मिल्क रबड़ी की तरह तैयार हो चुका है। तो अब हम एक प्लेट में सेवई को अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसे गिलास से इस तरह से दबा कर इसे सेट कर लेना है। देख सकते हैं इस तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने मिल्क बनाकर तैयार किया है चावल का, इसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ चम्मच से इसे फैला देना है, और इसके चारों तरफ सेवई को डाल दें। आप चाहें तो इसे पूरा भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ चारों तरफ से इसे कवर किया है और बीच में मैंने इसी तरह रहने दिया है, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे रख देते हैं फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 1 से 2 घंटे के बाद आप इसे अपने हिसाब से जिस तरह से आप इसे चाहें उस तरह से इसे कट कर लें। तो आप देख सकते हैं मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितना बढ़िया टेस्टी सा ये सेवई की बर्फी बनकर तैयार है। आप भी इस तरह से ट्राई करें, मेहमानों को इस तरह से सर्व करें। बहुत ही बढ़िया टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से इजी सिंपल सेवई की बर्फी आप भी घर पर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें।